डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये गिवन फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल है। जब कोई फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब हम कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन बना लेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी से एक इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एम और के की वैल्यूज आ जाएंगी, उन दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया था एक फंक्शन है जी एक्स, लिखा क्या है मैं साफ साफ लिखता हूं और आपको पूरा समझाता हूं। जी एक्स में लिखा था, यहां लिखा है के अंडर रूट ऑफ, यहां लिखा है एक्स प्लस वन, इंटरवल दिया गया है 0 से ज्यादा एक्स की वैल्यू और 3 से कम, और यहां लिखा है एम एक्स प्लस 2। जब 3 से ज्यादा है एक्स और 5 से कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला फंक्शन जी एक्स फंक्शन, इस वाले ये वाला डिफरेंशियबल फंक्शन है, इसका मतलब जो चेंज पॉइंट है 3 उस पे ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी के लिए यहां से हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां से निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू यहां लगा है, इसका मतलब यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3। अगर फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू यहां से निकालेंगे, हमने 3 यहां पुट किया, 3 और 1 4 हो गया, स्क्वायर रूट 2, तो यहां आया 2 के इक्वल टू, हमने यहां से राइट हैंड लिमिट निकाली, हमने यहां 3 पुट किया तो यहां आ जाएगा 3m+2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर ये वाला फंक्शन डिफरेंशियबल है तो हम ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट जी डैश एक्स इक्वल टू लिखा, हमने डेरिवेटिव लिख दिया, हमने इसका डेरिवेटिव लिखा के इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा तब जब एक्स लेस देन 3 है, और इसका डिफरेंशियल लिखा हमने एम, ऐसा तब जब एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा है। ये जो एक्स लेस देन 3 है ये अपने को एल एस डी देगा, एल एस डी हम लोगों ने निकाला, 3 यहां पुट किया तो ये 2 यहां पे बन जाएगा के बाय 4, और ये अपने को देगा आर एस डी, हम लोगों ने आर एस डी निकाला, वो सीधे सीधे हमने लिखा एम। चूंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है इसलिए हमने इन दोनों को बराबर किया, तो एम इक्वल टू के बाय 4 आ जाएगा, यहां से हमने निकाला के इक्वल टू 4m। ये है इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं, हमने k की वैल्यू उठाकर यहां लिख दी तो हमारे सामने आया 8m इक्वल टू 3m+2। यहां से पता चला कि m इज 2/5, और जब m इज 2/5 तो यहां से हमें पता चल गया k इज 8/5, तो हमने दोनों को ऐड किया, k प्लस m निकाला, तो वो हमने लिखा 2/5 + 8/5 = 2। 2 इसका आंसर है। थैंक यू।